जो सोनूपार में सबसे बड़ी मार्केट लगती है सब्जी की, मैं देख रहा हूँ देसी गुड़ है यहाँ पे, लाइन से आपको आलू मिल जाएंगे। साग कैसे दे रहे भैया? मूली कैसे भैया? रोहू है ना भैया? जिंदा अभी है ये सब? जिंदा है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी मार्केट में सब्जी मार्केट, मैं अपने बस्ती के पास में ही हूँ सोनूपार मार्केट में, क्योंकि हर टाइप की सब्जी वगैरह मिलती है और चिकन मटन हर चीज़ फिश वगैरह भी मिलती है, मछली भी मिलती है, और मैं आपको सारी मार्केट घुमाऊंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हमारे सोनूपार की मार्केट साग कैसे दे रहे भैया? साग कैसे? पालक साग 20 रुपए कटी। ये देख रहे हो, ये पालक है, ये है सोनूपार की मार्केट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत पब्लिक रहती है, मंगलवार और शनिवार को लगती है, देख रहे हो। कैसे भैया मटर कैसे? 50 का तो। आलू कैसे दे रहे हो भैया? भैया आलू कैसे? 12 रुपए किलो। और लाल वाला? लाल नहीं है। यह है सोनूपार की मार्केट, सब्जी मार्केट। यहाँ पे सारी चीज आपको मिल जाएगी, हर टाइप की सब्जी। जलेबी जलेबी कैसे भैया? 25 रुपए पाओ। हम लोग आए हैं अभी सब्जी उब्जी लेके, यहाँ से चले जाएंगे। देख रहे हो गुड़ मिल रही है, गुड़ कैसे भैया? 70 रुपए किलो। ये देख रहे हो देसी गुड़ है, 70 रुपए किलो है, बहुत अच्छी है। कैसे भैया आपका? 70 रुपए। मूली कैसे भैया? 10 का 2 किलो। देख रहे हो कितनी सस्ती मूली। बड़ी मार्केट है जान, तो सोनूपार में सबसे बड़ी मार्केट लगती है सब्जी की, बहुत बड़ी मार्केट है। और अगर आसपास में है, सोनूपार के आसपास में है, तो आप जरूर आइए खरीदारी करने। और यहाँ पे लाइन से आपको आलू मिल जाएंगे, और ये देख रहे हो ये खाली आलू मिलेंगे लाइन से आपको, ये आलू मिलेंगे। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे, जहाँ पे चिकन मटन और फिश वगैरह मिलती है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मार्केट। आपको यहाँ पे चिकन मटन वगैरह सब मिल जाएगा आसान भी है। चिकन ये देख रहे, चिकन 100 रुपये किलो भाई, चिकन भाई 180 ना भाई, 160 रुपये किलो। आपको बस्ती सिटी में और यहाँ पे मतलब फ़र्क मिलेगा चिकन के रेट में, जैसे बस्ती में जो है 180 रुपये किलो, यहाँ 160 रुपये किलो, यहाँ थोड़ा सस्ता है। मटन 100 रुपये किलो भाई, 500 रुपये किलो है मटन। यहाँ ये फिश मार्केट है, इसमें मछली चिकन मटन सब मिलता है। क्या रेट है भैया मछली? मछली क्या रेट है? 120 रुपये किलो है। वो रोहू है ना भैया? रोहू है ये वाला रोहू है, देख रहे हो ये फिश मार्केट है, ये मछली मिलती है। ये देखो ये जिंदी मछली है, ये जिंदा भी है, ये सब जिंदा है, ये सब जिंदा मछली है, बैकर मछली है, 150 रुपये किलो। ये भैया से पूछा है कि मतलब बस्ती में रेट महंगा क्यों है, तो बताते वो सिटी है, ये गांव है, इसलिए 20 रुपये यहाँ पे सस्ता है, वहाँ 20 रुपये महंगा है, वहाँ 180 में, यहाँ 160। कभी भी आएंगे वहाँ से थोड़ा सस्ता ही मिलेगा, है ना भैया?
गांव की वजह से। और यहाँ से दूर नहीं है मेरा घर, 2-3 किलोमीटर है सोनू सर, ज्यादा दूर है नहीं। भैया मिल गया हमको, काम साफ करेंगे, मैं काम साफ करवा ले रहा हूँ अपना, और थोड़ी देर में साफ करवा। चलिए ठीक है, करिए भैया। लोग आ गया आपका, लोग आ गया यूट्यूब पे, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे मटर लेने, और मार्केट में चलते हैं मटर लेते हैं। चलो फोन साहब चलते हैं मटर लेते हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा, ठंडी बढ़ रही धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग हेलमेट लेके आए नहीं है, तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा, हमको जल्दी निकलना भी है। और यहाँ पे गांव से दूर दूर से लोग आते हैं बेचारे, जो आस पास गाँव है वहाँ से सब लोग आते हैं, मार्केट वगैरह करके लेके जाते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है ये, इसे गांव वगैरह में लगती है मार्केट वैसे, बहुत बड़ी बाग है, और बाग में ही बाजार लगती है, सब लोग आते हैं यहीं पे और सब्जी वो लेके जाते हैं। मटर ले लिए हैं, मटर बहुत सस्ती मिल गई है, बस्ती से सस्ती मिल गई है, बस्ती में यहाँ भी रेट में काफ़ी फर्क है, सब्जी हो या मटर हो या चिकन हो या मतलब किसी में रेट में काफ़ी फर्क है। दाल कैसे भैया? दाल दाल 50 रुपये खड़ी वाली, सब अलग अलग रेट की है, सब अलग अलग रेट की है। दाल चावल है, हर चीज है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी आसानी से। देख लो ये है सरसों का तेल, है देसी प्योर तेल है ना भैया, ऐसे 1 रुपये लीटर है, 180 रुपये लीटर है, देसी सरसों का तेल है। और ये मसाला वगैरह मिलता है यहाँ पे, हम लोग चाट खा रहे हैं फिलहाल अभी, मैं और साहिद। अच्छा है ना देसी चाट, देखिए आप देख रहे हैं, मैंने पूरी मार्केट आपको घुमा दिया है। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।